Hey guys, welcome back to our channel Delhi Into Ins. We hope कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, बहुत सही की स्टोरी चल रही है यार। एपिसोड 21 बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो guys, जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। guys, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है यार, साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये तो आ गई भाई इसके पास। डिफरेंस है हाँ, ऐसा ही लगता हूँ। जवाब है यार, जवाब है। ये भी सोच में पड़ गई यार, एकदम से कैसे बोल दिया। मैंने कहा था ना तुम, तुम्हारे बाबा सीरियस लेने लग जाएंगे इस लड़के को। कुछ नहीं है, गलत ना समझा करो हर वक्त। वो देखो कैसे उनकी आंखों में प्यार, देखो उस लड़के के लिए को मैं सेट कर दिया। जेलस हो रहे हो? है नहीं होता जेलस किसी से, वो तो तुम्हारे बाबा ने मुझे इनसिक्योर कर दिया, पर नहीं है क्या चीज इससे होंगे इनसिक्योर। इट्स ओके, मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी। ये देख रही है गुस्से में भाई। अब अच्छी लग रही हो बहुत। थैंक यू, मुझे जाने बहुत काम है। अच्छा सुनो, क्या क्या जल्दी है यार? हाँ भैया जाना है। कहाँ जाना है यार? रुक जाओ, क्या काम? कुछ नहीं, कहा सिर्फ एक्सप्रेशन है बस। चलो 5 सेकंड है, देख लो 5 सेकंड। हाँ, 1। हाइट बहुत सही है यार, हाइट सही है। ये सही था। अरे इधर हो, इधर बैठो बैठो बैठो, कहीं नहीं जा रही हो तुम? ऐसे ही जा रही हूँ, जा रही हूँ। क्या करोगे उसके साथ बैठ के यार? वैसे भी जरूरी बात करनी है मुझे। क्या? बहुत अच्छी लग रही हो। अरे यार बोल नहीं पा रहा यार, काम है जाने। ओबे भाई, वो भाई इसने देख लिया यार। तोड़ा शॉट हो गया भाई ये तो। अब तो इसने देख सकता यार, अब तो इसने देख ही लिया, अब देख लिया। सर आप सर का मतलब जानते हो तुम? इसमें अदब होता है, एहतराम होता है जिसकी तचिए। कहानी यार उल्टी हो गई, गलत समझ। मत कहो मुझे सर, मैं क्या क्या समझता रहा तुम्हें? बोला ही और क्या निकले तुम? गलत फहमी है सर, लोग हैं सर सारे। चुप हो, मैं अभी तक मैं तुम्हें चाप निकाल चुका था। जी सर। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम फजल बकरी? कितना दुख हो रहा है इस बंदे को। क्या निकले तो? झूठ से नफरत है इसे, और वही हो गया काम। दफा हो जाओ यार, ये तो होना ही था। आइंदा मुझे अपनी शक्ल दिखा लो। पता चल गया, ठीक है सर। क्या सीन हुआ है यार, मतलब रुखसती वाले दिन हुआ ही रात और रात।
सबका दिमाग खराब हो जाएगा यार। वो तो चला गया अब। ये भी परेशान है। वैसे जिस तरह मेहरी ने सिचुएशन हैंडल की है, बहुत मैच्योर साबित हुई है। But darling, now everything is in Shubhra's court. End result of Shubhra पे depend करता है क्या होगा। शामिर भी इस हवाले से कुछ नहीं कर सकता। क्या ये लड़की शिब्रा वाकई ऐसे लड़के से मोहब्बत कर सकती है जिसके बाप से इतनी नफरत करती हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शामिर ने अपनी शहजादों जैसी जिंदगी छोड़ के एक कॉमन मैन्स लाइफ चुनी, किसके लिए? इस लड़की के लिए। कोई तो बात होगी। ये लड़की तो कुछ जानती भी नहीं है शामिर के बारे में। तुम्हारा क्या ख्याल है इस कहानी का अंजाम क्या होगा? वो तो हरगिज नहीं हो सकता जो शामिर चाहता है या फिर जो शिब्रा चाह सकती है। वो ऐसा हारून बेग कभी होने भी नहीं देगा शिब्रा। फिर चाहे हम माजी के वो तमाम लम्हात उसके सामने ना दोहरा दें जब हमने उसकी मदद की थी। तगड़ा सस्पेंस है, पता नहीं क्या है। बहुत ही स्टोरी बहुत वैसी है भाई। वाह भाई, आप तो बहुत ताबेदार पीवी बनेंगी। इतना प्यार जो करती हूँ इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। इसलिए आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। सुगैना, मैं नहीं जानता हमारी शादी किस हालात में और कैसे हुई है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि पैसे कहाँ से अरेंज हुए, लेकिन मैंने खुद से ये वादा जरूर किया कि एटलीस्ट मुंह दिखाई का तोहफा मैं तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई से ला कर दूँ। तोहफा छोटा सा है, कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें छुपी मोहब्बत, खलूस, ये बहुत सही चीज दिखाई, बहुत बढ़कर है। बहुत बढ़िया थी इस बात से तो ये भी खुश हूँ। बहुत प्यार है। पक्का? हाँ, और मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। अच्छा, वो दरअसल एक और बात करनी थी। हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ऑनेस्टी के साथ स्टार्ट करें। मैंने ये बताना था कि ये सारा शादी का बंदोबस्त, इंतजाम, इसके पैसे मैंने मुझे पता है। तुम्हें पता है? हाँ, अब इतना हैरान लिखने की भी जरूरत नहीं है। चलो मैं बहुत थकी हूँ, चलो पैर दबाओ, चलो जल्दी जल्दी, शाबाश, चलो चलो। अरे मजाक करी थी क्या? हो नहीं, मैं दुबा देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं ना? नहीं जी, नहीं। वाह भाई, घर का माहौल ही बिगड़ गया यार। उस बंदे के जाने से ये सब परेशान है। अंदाजा था मुझे, लेने आओगे अपना बचा कुचा सामान। उठाओ अपना ये सामान, अब निकल जाओ यहाँ से। भाई ये तो बहुत गंदी, ये तो अब ऐसे बंदे के साथ यार ऐसा होगा तो फिर बात करेगा ही। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे फजल बख्श। मैंने कहा अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। आप गलत समझ रहे हैं सर। सर मैं और शिवराम, मेरी बेटी का नाम मत लेना अपनी जुबान से। हैसियत देखिए अपनी। अरे हो क्या तुम, हाँ क्या सोच लिया तुमने अपने बारे में? हाँ प्यार से बात कर ली तुमसे, घर में रहने को जगह दे दी और तुम पता नहीं क्या ख्वाब देखने लगे। अपने आप को तो देखा होता, अपनी औकात का ख्याल किया होता कुछ। जाओ यहां से बस। बहुत बड़ी बात कर दी यार।
सर मेरी नीयत कभी खराब नहीं थी शिब्रा को लेकर। नीयत ही तो जान नहीं सका मैं तुम्हारी फजल बख्श, तुम्हारी भोली सूरत से धोखा खाया मैं। कुछ भी बोलेगा ये इस वक्त, तुम्हारी चिकनी चपड़ी वो मूड नहीं है। इनमें आ गया मैं, यही गलती की मैंने। सुनना पड़ेगा इसे। है तमाहत। मैं कह रहा हूं तुमसे, तुम ये सामान उठाओ और जाओ यहां से। अरे जाओ, खड़े मुंह क्या देख रहे हो? घर से बाहर निकाल लिया अब तो इसको। ठीक है सर, सच तो पता चलेगा कभी ना कभी। वो सच जब पता चलेगा तो यार ये तो भाई साहब चीज ही कुछ और है। जा रहा हूँ सर, लेकिन पलट के वापस जरूर आऊंगा। सर जहां तक औकात और हैसियत का सवाल है, फराह की दो तौलियों की फैक्ट्री से उससे कई आगे खड़ा हूं सर मैं, इखलास और फकीरी की राह पर। अब भी बात घुमा दी यार, वो फकीरों की सुनता है, मेरी तो सुन ही लेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा सर, अगर मैंने तकलीफ पहुंचाई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। ओ आएगा ही कुछ बन गया, बहुत बहुत तमीज से बहुत तरीके से गया ये। सपना सपना तो है सपना निंद्र दिशा। अब इसका मन नहीं लगेगा बिना शिब्रा के आने का। क्या बताना चाह रहे हो? बहुत कुछ। सच बताया भाई, अब क्या शूट करा है? क्या शॉट लिया था? क्या शॉट था? स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है यार, मतलब मजा आने वाला है। और गाइस अब तो मतलब घर से बाहर निकाल दिया है। मतलब उसका यार दुख तो हो रहा है यार, जिस तरीके से निकाला ना थोड़ा यार। और बंदा फिर भी यार एक कहकर गया ना कि उसकी दो तौलियों की ध्यान रखना ज्यादा, वो फकीरों का उसने बात घुमा दी ना, वो फकीरों का। हाँ कि मेरी तो मतलब फकीर सुनता है वो भाई। वो जो थप्पड़ पड़ा ना यार, वो यार वो देखने वाली चीज थी। वो देख लिया था ना यार साथ में, अपनी बेटी के साथ में देख लिया था। और झूठ बोल के रहे, और झूठ और झूठ पसंद नहीं है तो सुलेमान साहब को हर कोई मारेगा, हर कोई मारेगा। वो अपनी जगह सही है यार, वो बंदा जो भी कर रहा है ना वो बंदा ठीक है अपनी जगह, क्योंकि पता है इसको भी था कि वो जब पता चलेगा ना तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। फजल बख्श को तो ये भी प्रिपेयर थे। हाँ पता था कि अब तक मैंने नहीं बताया, जब पता लगेगा तो मतलब क्या ही होगा। ये टेंशन में तो था ही यार, टेंशन में था कि कैसे बताऊं। और अब वो वक्त आ गया जब शिब्रा को भी ये बताएगा। हाँ कि मैं कौन हूँ असली में, मैं क्या हूँ, मतलब बहुत मजा आने वाला है यार। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड मतलब तोड़ू होने वाला है, हो सकता है। अब आगे के एपिसोड्स में तो मतलब अब ये सच ही आएगा इसका बार, और कुछ नहीं होगा। सच है। एपिसोड 22 स्टार्ट करेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही गाइस, अब तक के लिए इतना ही। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।